स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ से। दोस्तों अभी हमें डोटियाल में और देखिए बर्फबारी शुरू हो गई, तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से गिरते हैं बर्फ पहाड़ों में। तो यहाँ बन रही है भाई चाय, तो यहाँ से भी चाय पियेंगे। आंटी जी बना रही है, आंटी जी अदरक डाल दी, ठीक है ठीक है। आंटी जी ने जलेबी बनाई है, तो अपने आप बनाई है भाई? भला हम अभी सुन रहे हैं, अपने आप बनाया था जी? अपने मतलब बनाते हो? कब से आपकी दुकान? हमारी दुकान तो होगी 40 साल। अच्छा, बहुत अच्छी जलेबी बना रही है, एकदम करा रही भाई। 2024 में इस सीजन की पहली बर्फबारी हमारे पहाड़ों में, और सभी भाई लोग हाई कर दो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में। चौमिन भी आ चुकी है और हम मौलीखाल मार्केट घूमते हैं अभी, और ये रही मौलीखाल मार्केट। अदरक अलग चाय ना, लोग अलग जो अदरक का चाय हो ना वो एक स्वाद ही अलग बाजार। भाई चने भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आंटी जी की चाइनीज मुर्गियाँ हैं, तो आज आपको पहली बार चाइनीज मुर्गियाँ दिखाते हैं। ये देखिए चाइनीज। जय श्री राम जी की दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ से। दोस्तों अभी हमें डोटियाल में, और अभी दिन के 12 बज चुके हैं, धूप पड़ रही है काफी भयंकर, और यहाँ पर देखिए बर्फबारी शुरू हो गई। तो सब अभी उन भाई लोग कॉलेज से आ रहे, पेपर देख के और यहाँ पर रुके थोड़ा। तो दोस्तों ये है भाई डोटियाल का मार्केट, और बर्फबारी यहाँ पर हो रही है अभी। तो 2024 में इस सीजन की पहली बर्फबारी हमारे पहाड़ों में, और देखिए ये देखिए पूरी बर्फ। भाई साहब क्या बोलना चाहोगे, बर्फबारी हो रही है इसके बारे में? आनंद 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 बोलना चाहोगे? आनंद। तो दोस्तों अभी के टाइम पर कठपुतलिया में पहुंच चुका हूं, और यहां पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं देखने को मिल रही है, जैसे कि टोटल पड़ रही थी, और सामने धूप लगी है भाई। तो उत्तराखंड का ऐसा मौसम, कहीं पर बर्फ कहीं पर धूप, और कहीं पर देखिए कितना मौसम खराब हो रखा है। तो बहुत ही एक अजीब बात है ना, एक समझ नहीं आ रहा, मतलब हो क्या रहा है। बर्फ भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, धूप भी लगी है, मौसम भी खराब है, चार पांच चीज़ें एक ही साथ। तो दोस्तों अभी दिन के 3 बज चुके हैं और घर में पहुंच चुके हैं। देखिए भाई बर्फबारी घर में भी हो रही है, बीच में नहीं हो रही थी कटपटिया में, मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद देखिए घर में कुछ इस प्रकार से बर्फबारी हो रही है बहुत तेज तरीके से, मतलब ऐसे हवा चली ना खतरनाक जाड़े वाली, और भाई हालत ख़राब हो गई, बड़ी मुश्किल से घर में पहुँच चुके हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से गिरते हैं बर्फ पहाड़ों में, बहुत ही भयंकर वाला सीन। और जबकि मौसम विभाग द्वारा ना वेदर में कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ बादल बताए गए थोड़े बहुत, और देखिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित होता हुआ बर्फ पहाड़ में गिरती हुई। लेकिन ये अभी अटक नहीं रही है, जब अटकना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद पूरी जमीन सफ़ेद चादर से ढक जाएगी। दोस्तों अगर ऐसी बर्फबारी होती है तो कल एक पेपर और बचा हुआ है, उसको देने कैसे जाना है मैं तो ये सोच रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो नमस्कार दोस्तों, आज है ब्लॉग का दूसरा दिन, और इस टाइम हम धूप देख सकते हैं, सूर्यदेव जी भी आ चुके हैं, और सामने रहा हिमालय पर्वत, और ये रही इधर रोड। तो दोस्तों ये टाइम मैं जा रहा हूँ कॉलेज, आज है लास्ट पेपर, तो अभी चलते हैं, और मैं अकेला हूँ, और वाकई आप सीन देख सकते हो गजब वाला। कल आपने देखा होगा बर्फ गिरी थी, लेकिन वो अटकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अटकी, जिसके कारण आज बहुत ज़्यादा ठंड है और पाला बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया, क्योंकि घटबगड़ तक मतलब लखोरा से घटबगड़ तक इतना सारा पाला गिरा था कि हालत ख़राब हो गई थी, और बाकी आप सीन देख सकते हो गजब वाला। तो दोस्तों अभी 7 बज चुका है और 9 बजे से पेपर स्टार्ट है, तो अब चलते हैं बिना देर किए हुए, और बाकी यहाँ से मैंने आज का व्यू दिखाना था जो कि एकदम फर्स्ट क्लास है, आपने देख लिया होगा, काफ़ी दिनों बाद सूर्यदेव जी इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी चलते हैं, फाइनली अभी के टाइम पर डोटियाल में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर भाई चने भी उगल रहे हैं। आज में रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ट्रक वगैरह सारे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पहाड़ में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
तो दो डॉलर पहले इसके पहले चाय पीते हैं। भाई नमस्कार। तो भाई साहब आप हमसे पहले पहुंचे, किस टाइम आए भाई साहब आप? जल्दी आ गए था। अच्छा, और पाला से बुरा हाल और ठंड से। अरे पाला तो खतरनाक। तो यहाँ बन रही है भाई चाय, तो यहाँ से भी चाय पियेंगे। आंटी जी बना रही है, आंटी जी अदरक डाल दी? ठीक है ठीक, अदरक वाली चाय पियेंगे कड़क। तो अभी डोडियाल में गर्मा गर्म का चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद ठीक चलते हैं कॉलेज की तरफ। और धूप भी एकदम मस्त वाली लग चुकी है भाई। तो दोस्तों फाइनली एग्जाम हो गया है और वहाँ से सारे पेपर भी खत्म हो चुके हैं और सभी भाई लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम जाएंगे सीधे घर की ओर। सभी भाई लोग हाई कर दो, मिलते हैं फिर अगले पेपर में, है ना, जब भी होंगे 2-3 महीने बाद, नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर हैं सभी भाई लोग, तो अब चलते हैं भाई अपने अपने तुम्हारा कौन सा काम की ओर। तो दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और मैं और योगेश भाई अभी आए हैं मौलिखाल में। तो हम आए थे बैंक के काम से, तो मेरे तो हो गया लेकिन भाई का रह गया। तो अभी आपको थोड़ा मौलिखाल दिखाते हैं, घूमते हैं यहाँ पर। ये रहा मौलिखाल का बाजार, ठीक इधर से बहुत उधर से है और बहुत लंबा मार्केट है। एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो अभी हम नीचे वाले मार्केट जाएंगे। तो मौलिखाल में आगे बढ़ते वक्त योगेश भाई ला चुके हैं भाई रविया होटल में। तो यहाँ पर चौमिन क्या करा दी? केक, आइसक्रीम केक। नहीं, चौमिन ऑर्डर कर दी। और यहाँ से भाई साहब नीचे का सीन है ना, बहुत ही गजब प्यारा वाला। अब बारिश की वजह से और पूरा साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। कल बारिश हुई थी ना थोड़ी बहुत। सामने एक से एक गांव है जिनका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन ये पूरा कुमाऊँ है। और सामने सस्तीखाल मार्केट, उससे ऊपर मौलिखाल मार्केट, और ये नीचे पूरे गाँव कुमाऊँ के। देखिए एकदम प्यारा वाला नज़ारा, एकदम गजब है भाई, जो भी है बहुत प्यारा है। तो फाइनली पूरा मौलिखाल घूम के पहुंच चुके हैं होटल में और चौमिन ऑर्डर की थी योगेश भाई ने, तो चौमिन भी आ चुकी हैं और अच्छी, मतलब A1 चौमिन बनती है योगेश भाई ने बताया। तब टेस्ट करते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच धूप का आनंद, और धूप में धूप भी तो कितनी अच्छी, चौमिन मस्त वाली धूप लगी है ना। मौलिखाल मार्केट में हम पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं भैया? हाँ। और मार्केट ये काफ़ी बड़ी है, हमारी लोकल मार्केट से काफ़ी बहुत बड़ी है ना। जी जी सही बात है। बेकार ना। अब हम थोड़ा रुकते हैं और घूमते हैं मार्केट, अब थोड़ा मौलिखाल मार्केट घूमते हैं अभी। और ये रही मौलिखाल मार्केट, काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। लोकल वाले की मेन मार्केट है। तो दोस्तों अभी मौलिखाल से आने के बाद रुके हैं ठीक पैसिया में, ये है पैसिया की मार्केट। और थोड़े यहाँ पर अभी चाय की दुकान ढूंढे, थोड़ा चाय पी लेते हैं क्योंकि बाइक चलाने में बहुत ठंड लग रही है ना भाई साहब? बहुत ठंड लग रही है ना? ठंड तो लग रही है भैया, धूप में और भी ज़्यादा ठंड। हाँ, तो चलते हैं चाय की दुकान पर। तो ये पैसिया की मार्केट कुमाऊँ सल्ट अल्मोड़ा। तो फाइनली चाय की दुकान मिल चुकी है, तो यहाँ पर चाय का ऑर्डर दे दिया। तो ये है पैसिया मार्केट, है ना आंटी जी? पैसिया है। अच्छा, मौलिखाल से कितना दूर है? 5-7 ऐसा कुछ होगा, है ना। और कैसे चलती है मार्केट यहाँ, चलती कैसे है, मतलब दुकानें ठीक ठाक चलती है? अदरक अलग चाय है ना, लोकल अलग जो अदरक का चाय होंगे वो एक स्वाद ही अलग आता, बाजार जो अदरक होंगे एक अलग स्वाद आता। तो यहाँ पर आंटी जी की दुकान है जहाँ पर हमने चाय ऑर्डर किया है, तो आंटी जी ने जलेबी बनाई है, तो अपने आप बनाया है भाई? भला हम अभी सुन रहे हैं, अपने आप बनाया जी? अपने मतलब बनाते हो? कब से आपकी दुकान? हमारी दुकान तो 40 साल। अच्छा, बहुत अच्छी जलेबी बना रही, एकदम करा रही भाई, रसीलेदार, लजीज है, खत्म भी हो गए शायद है। कितने रुपए किलो बेचते हो आप? हम 160। 160, हाँ सभी जगह यही रेट है फिलहाल। तो ये है भाई पैसिया मार्केट, कभी भी आएगा आंटी जी को दुकान पर जरूर आना, चाय और जलेबी खाने का आना जरूर ले। तो अभी आ चुके हैं गर्मा गर्म चाय पैसिया मार्केट में, आज पहली बार गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और ताई जी की दुकान में। तो योगेश भाई यहाँ पर खूब गप सप मार रहे हैं। तो चलो ठीक बोली है, चलते हैं फिर आएंगे कभी चाय पीने।
तो चले जी, अब पैसा मार्केट को भी अलविदा करते हैं। और आज पहली बार पैसा मार्केट में चाय भी पी ली, काफी कड़क और स्वादिष्ट चाय थी ना योगेश, अदरक का बहुत अच्छा स्वाद था। लोकल की अदरक बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ मोले खाल घूम रहा बाइक आज बहुत टाइम बाद केवल तुम दगड़ ठीक हो गया नरेंद्र भाई दगड़ घूम फिर गया। तो योगेश भाई को बोलो बहुत अच्छा लगा मोले खाल घूम के, काफी टाइम से सोच रहे थे। तो चलिए चलते हैं, और वो आज चल रहे हैं पल्सर से और हम तो अवड़ी वाले से बाइक से चल रहे भाई। तो अभी मोलेखाल पैसिया और झमार से आते हुए वक्त हम रुके हैं भाई डोटियाल में। तो डोटियाल में मैकेनिक के पास यहाँ पर योगेश भाई थोड़ा गाड़ी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आंटी जी की चाइनीज मुर्गियाँ हैं, तो आज आपको पहली बार चाइनीज मुर्गियाँ दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, कुछ ऐसी होती है, दिखने में एकदम क्यूट है, एकदम मस्त। ये देखिए चाइनीज मुर्गी एकदम मस्त तरीके से चरती हुई भाई।